हेलो, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग बॉयज। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा एनालिसिस करने जा रहे हैं कल के मार्केट का। कल मार्केट कैसा रह सकता है? कल रक्षाबंधन भी है, तो हो सकता है बहुत से लोग ट्रेडिंग करें, बहुत से लोग ट्रेडिंग ना करें, और जनरली मार्केट साइडवेज होके निकल जाए। तो बायर्स को हो सकता है अपॉर्चुनिटी ना मिले, बट देखते हैं कि कैसा हो सकता है मार्केट। आओ जरा एनालिसिस करते हैं। अब देखिए, लास्ट जो इवेंट था हमारा मार्केट में, लास्ट इवेंट में क्या हुआ के मार्केट ने गैप अप दिया, ठीक है। वो गैप अप हमारा क्या हुआ, सोल्ड आउट हुआ लगभग, ठीक है। और उसी के अराउंड जहां पे हमारा मार्केट जिस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, वहीं हमने जहां पे हमारे रेजिस्टेंस थी, ठीक है, वहीं से मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट लिया और मार्केट ने एक बहुत अच्छी रैली दी। अब दिक्कत क्या है, बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे हुए कि मार्केट पूरा का पूरा बेयरिश है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको कोई बायस लेके नहीं चलना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको बायस लेके नहीं चलना, चलो मैं जरा इसको समझाता हूँ आपको। देखो, अगर बात करी जाए कि मार्केट अभी तक क्या है, देखो मार्केट आपको लग रहा है कि एक ये रेंज मार्केट में ले रखी है ना, ये वाली सबको पता है। तो जो जो ट्रेड कर रहा है सबको पता है कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट इस रेंज के अंदर ही घूम रहा है, ठीक है। अब अगर बात करी जाए, दोबारा से हम इसी रेंज को कंसिडर करें, तो ये रेंज आप ऐसे भी देख सकते हो कि चैनल बन रहा है। देखो दिखाता हूँ मैं इस तरीके से क्या बन रहा है, एक चैनल। तो अगर मैं चैनल को कंसिडर करूं तो देखा जा सकता है कि मार्केट अभी भी चैनल के अंदर है। अब मैं ये क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसको जरा हम डिलीट करते हैं, क्लियर, ठीक है। देखो चैनल क्या है ये, देखो मैंने चैनल के ऊपर क्या बना रखा है, मैंने एक रेजिस्टेंस बना रखी है, ठीक है, अपर ट्रेंड लाइन बना दी मैंने। ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, ये कितनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ये सब लोग ड्रॉ करके रखो। देखो बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, और जब इसका ब्रेकआउट आया तो हमें क्लियरली एक रैली देखने को मिली है। और फिर मार्केट में जब अच्छा एक सीवियर फॉल आया था, ठीक है, तभी इसने क्या करा है, तब भी इसने किस चीज का एज अ सपोर्ट एक्ट करा है। देखो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, इसने सपोर्ट एक्ट करा और यहीं से मार्केट बाउंस बैक करके निकल गया, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का गैप डाउन से ब्रेकडाउन दिया है ना, और अब क्या कर रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं देखो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है ना, ये देखो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। और अब मार्केट यहीं पे आके होल्ड कर रहा है। देखिए इस रैली के बाद बहुत से लोग बुलिश हो सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। फाइव, ये जो मैंने लगा रखा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हो सकते हैं, इसको देख के बुलिश हो सकता है, बट आप गलत नहीं है। आप हो सकता है बहुत से लोग ये लेटरल रेंज देख रहे हो। लेटरल रेंज का मतलब मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। लेटरल रेंज का मतलब है कि हम एक लेते हैं हॉरिजॉन्टल है, ये दिख रहा है आपको, ये जो मैंने मार्क करा है, ये और ये है ना, तो इन दोनों के बीच में आप सोच रहे हो इसका ब्रेकआउट आ गया। आप गलत नहीं है, ब्रेकआउट भी आ सकता है, बट जनरली एंट्री कब बनती है, जब ब्रेकआउट आया उसका रीटेस्ट होने लगे तब आपकी एंट्री बन सकती है ना। बट मैं बोल रहा हूँ अभी ऊपर हमारी ट्रेंड लाइन जा रही है, तो इसलिए पूरा बुलिश होने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो बात को। हो सकता है ये जो मार्केट चैनल के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ कि चैनल के अंदर चल रहा है, ये जो चैनल चल रहा है ये ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से मुड़ के दोबारा से ऐसे लेके आता चला जाए, है ना, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब ये पॉसिबिलिटी कैसे जनरेट हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपने, बहुत से लोगों ने ये, इसको आपने क्या बना रखा है, रेजिस्टेंस, इसको बना रखा है सपोर्ट, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और इस आपको लग रहा होगा इसका क्या आ गया, इसका ब्रेकआउट आ गया, बट आप इसको भी ड्रॉ करके रखिए, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन जा रही है कि ऊपर क्या है, ऊपर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है अभी भी, और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से यू टर्न ले सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है क्या? अगर आप डेटा के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हो सकता है मार्केट के अंदर अभी भी क्या है, अभी भी हल्की सी थोड़ी सी बुलिशनेस आ गई है। आओ जरा एक बार मैं ओपन इंटरेस्ट भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट पे हमें क्लियरली दिख रहा है नीचे हमारे पास सपोर्ट्स बिल्ड हो गए हैं। देखो यहाँ पे सपोर्ट बिल्ड है, एक ग्रीन बार आपको क्या शो कर रहा है, ये पुट का ओआई रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब पुट ओआई का मतलब ये पुट सेलिंग दिखा रहा है आपके, है ना, कि पुट सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉल सेलर्स देखो हल्के हल्के कम हुए हैं, एक ये कॉल सेलर आपको दिख रहा होगा, ये तो सबसे सेफेस्ट ट्रेड थी जो पहले से डाल के बैठे हुए हैं, 25,000 की कॉल सेल करके बैठे हुए हैं, तो वो तो आराम से डीके का मजा ले रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम चेक करें कि हमारे पास क्या हो रहा है, पुट का ओआई बिल्डअप हो रहा है, चेंज देखें जरा, ये देखो हाँ ठीक है, चेंज इन ओआई आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन बार्स आपके कितने बने हैं, है ना, और पीछे से लोग पास आते चले जा रहे हैं, ये भी दिख रहा है आप, ये देखो पीछे से क्या कर रहे हैं,
पीछे से पास आते चले जा रहे, तो यानी मैं बोल सकता हूँ हमारा जो पुट का ओआई है उसके अंदर इंक्रीज है, कॉल के अंदर क्लियरली डिक्रीज दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे डेटा तो आपको बुलिश बता रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत की नहीं। आप पीसीआर आप देख लो, आप पीसीआर से पता चल जाएगा कि डेटा हमारा क्या है, बुलिश है। बट मैं थोड़ा सा सिनिकल इस वजह से हूँ, एक तो कल आपका रक्षाबंधन है, ठीक है, दूसरा आपके पास एक ऊपर से ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, बस ये मेरा थोड़ा सा हल्का सा डाउट है, इसको आप प्लीज देख के रखिए। अगर इसका ब्रेकआउट आ सकता है तो आप लॉन्ग करिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे आपको लॉन्ग करने के लिए, बट प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है। अब कॉशियस रहने की क्यों जरूरत है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपकी आ रही है। ऊपर से चलो मैं कह रहा हूँ आपको लॉन्ग भी करना है, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अगर आपको लॉन्ग करना ही है थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे गए, कितने गए ना, 3 का, तो आपने एक बाय करा, ठीक है, और एक आपने क्या करा यहाँ पे आके सेल कर दिया, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग भी जा रहे हैं तो प्लीज अपना लोअर साइड या अपोजिट साइड हमेशा हेज करके चलिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये ट्रेड जो हमारी बन रही है, ठीक है, ये ट्रेड कैसे बन रही है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये आ गया 3300 के अराउंड, और आपको जो मैक्सिमम लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1600 के अराउंड। तो हमें पता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 3300, और अगर मार्केट गिरता है हमारे अपोजिट साइड में जाएगा तो 1600 रुपये का लॉस। तो इस तरीके से आप अपनी पोजिशन हेज करके चल सकते हो, ठीक है। इसको कॉल डेबिट स्प्रेड बोलते हैं, आप कॉल डेबिट स्प्रेड बनाइए, अपनी अपोजिट साइड की हमेशा हमेशा पोजिशन अपनी सिक्योर रखिए, हेज रखिए, हमें नहीं पता मार्केट कब यू टर्न ले सकता। अब ये ट्रेड मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, रिकमेंड एज इन मैं ये नहीं बोल रहा आप इसको ले लो, रिकमेंड मतलब अगर आपको ट्रेड बुलिश लेनी है तो सीधा आप, या तो आप कॉल बाय करके बैठ जाते हैं सीधा नेकेड, तो आप कॉल बाय कर रहे हैं अच्छा है ठीक है, बट उसका एक हेज भी बाय करके चलिए, अपनी पोजिशन हेज करी, हमें नहीं पता इस टाइम मार्केट ऊपर से कब यू टर्न दे, एक न्यूज आती है और मार्केट सीधा नीचे आ जाता है ना, तो आप इसको हेज करके चलो अपनी पोजिशन, अगर आपको ये ट्रेड नहीं, अगर मार्केट यू टर्न लेता है, ठीक है। अब मेरा क्या प्लान है, मेरा अभी कोई प्लान नहीं है, मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है, तो मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा, ठीक है, और शॉर्ट कैसे करूंगा, मैं भी अपनी पोजीशन क्या रखूंगा, सिक्योर रखूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं एक बाय करूंगा, ठीक है, और इतना मार्केट से रिसीव करूंगा, मैं इस तरीके से ट्रेड बनाऊंगा अपनी कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना लगभग 5500 के अराउंड, ठीक है, और मेरा मैक्सिमम लॉस 1900 के, समझ रहे हो, सिंगल लॉट ट्रेड है। बाकी आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो वो कितना लॉट साइज रखना है, जितना आप कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लीजिए, है ना, क्लियर है। तो अभी तक हमारा एनालिसिस क्या है, एनालिसिस यही है कि मार्केट अभी भी उस रेंज के अंदर है, ठीक है, बहुत से लोग रेंज ब्रेकआउट सोच रहे हैं, बट ऊपर एक हमारे पास ट्रेंड लाइन है जिससे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, और रेजिस्टेंस ली मार्केट ने तो फिर वो नीचे आना जरूर है, ठीक है। अब लोग सिनेरियो कैसे बनाते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, लोग ऐसे बोलते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट खुला तो वो कहाँ पे ट्रेड लेंगे, मार्केट अगर गैप डाउन हुआ तो वो कहाँ ट्रेड लेंगे, अगर वो गैप अप हुआ तो वो कहाँ ट्रेड लेंगे, आप समझ रहे हैं, इस तरीके से मार्केट के अंदर सिनेरियो बन, ठीक। तो यानी एक तो आप इस लेवल को मार्क करके रखिएगा, एक आप इस लेवल को जरूर मार्क करके रखिएगा, ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से मार्केट गिरा, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी बाउंस बैक ले सकता है, मैं आपको ये बता दूं, समझ रहे हो बात, ठीक है, और ये लेवल टूटा तो मार्केट यहाँ तक नीचे तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला लेवल आप प्लीज मार्क करके रखिएगा, ये वहां, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा इसको जहां भी मार्क करना है, क्लियर। चलो तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज अगर आपको चेक करना है कि हम टेलीग्राम के ऊपर किस तरीके से ट्रेड रिकमेंड करते हैं, या हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, अपनी पोजिशन किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, तो आपको टेलीग्राम फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज जाओ वहां पे और वहां से उसको फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे भी मैं फॉलो करूँ, ठीक है, चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।